जिंदगी तेरी भी अजब परिभाषा, समर गई तो जन्नत नहीं तो सिर्फ तमाशा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक लाइव। आज बात करेंगे रोते बिलखते, तड़पते और सिस्टम की भेंट चढ़ चुके बिहार की। बिहार थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से और ट्वेल्थ लार्जेस्ट है टेरिटरी के हिसाब से, लेकिन बात जब भी देश में किसी परेशानी या समस्या की होती है तो सेंटर में रहता है दिल्ली, फिर दिल्ली से होते हुए बात उत्तर प्रदेश की होती है और इसके बाद छलांग मारकर सीधा महाराष्ट्र पहुंच जाती है। और बिहार की बात कब तक होती है? बिहार की बात तब होती है कि जब गरीबी का मजाक बनाना हो, जब सिस्टम का मजाक बनाना हो, जब अशिक्षा का मजाक बनाना हो, जब जाति की बात करनी हो। अरे बिहार में तो यहाँ टॉपरों का भी मजाक बन जाता है। जंगल राज का इतिहास सभी जानते हैं, नौजवान तमंचा लेकर सिस्टम की रूपरेखा बदलने निकल जाता है। आज बात उसी बिहार की, जहां कोरोना ने तबाही के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और चुनावों में एनर्जी का घोल लेकर गरजते नेता आज शांत हैं। और ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं क्योंकि ये लोग दम घोटी चुप्पी से वफा करते हैं। सरकार का महाफेल्योर और जमीनी हकीकत बताएंगे तो कलेजा फट जाएगा, लेकिन हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा सरकार पर हमलावर इन धुरंधरों को भी जान लेते हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। पहला नाम है लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। इनका नाम सबसे पहले तो बदलकर ट्विटर यादव रख देना चाहिए। 2019 में जब बिहार डूब रहा था तब ये ट्विटर से लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनावों में इनको जनता का भरपूर प्यार मिला, तो प्यार पाकर ये सीधे दिल्ली के एसी आवास में जाकर बैठ गए। आम बोलचाल की भाषा में इसे ही धोखा कहते हैं। जिनके पिता को बिहार का नेल्सन मंडेला कहा जाता हो, उनके सुपुत्र आज कहाँ हैं? जब जनता को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो कहाँ है? वो लापता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है। देखिए ना, बाढ़ से पटना बह गया, चमकी बुखार से किसी का बच्चा मर गया, डेंगू से कितनों की मांग का सिंदूर मिट गया, कोरोना से पलायन में कितनों ने नर्क दर्शन कर लिए और कोरोना महामारी में तो पूरा घर मकान सब कुछ शमशान बन गया। तब आप सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर ट्वीट करके अगर ये सोच रहे हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं आप तेजस्वी जी। एक बात सोचिए कि कोरोना महामारी में कितने लोग जिंदगी की जंग हार चुके हैं। क्या ये सब जदयू या भाजपा के लोग थे जो आपको फर्क ही नहीं पड़ता? अरे राजद के भी घरों में चिराग बुझे हैं साहब, अब क्या मुंह लेकर जाएंगे उनके सामने? कैसे सामना कर पाएंगे आप उनका? कब तक लालू जी के कमाए हुए वोटों से राजनीति करते रहेंगे? याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जो हर कोई जान चुका है वो ये है कि गांव देहात के बुजुर्ग आपका नाम नहीं लेते, कहते हैं लालू का बेटा, इसका मतलब समझते हैं आप? आप सिर्फ ट्विटर यादव बनकर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, आपको अपने पिता से सीखना चाहिए, जिन्हें विधानसभा के एक एक बूथ पर काबिज, बूथ एजेंट का भी नाम मुंह जवानी याद रहता था। पता नहीं क्यों ये नेता ट्विटर फॉलोअर को ही अपनी जनता समझ लेते हैं, जबकि जो असली जनता है, जो सियासत पलट कर रख देने का दमखम रखती है, वो ट्विटर का टी भी नहीं जानती। अब बात अगले नेता की, वाम नेता की तथा कथित क्रांतिकारी नेता की, बात कन्हैया कुमार की, जिन्हें अब आप इनकी जन्मभूमि बेगूसराय से लेकर कार्ल मार्क्स की कर्मभूमि मॉस्को तक भी ढूंढेंगे तो ये आपको नहीं मिलेंगे। ये भी चुनाव के समय पूरा मैनेजमेंट लेकर आते हैं और बाद में सिस्टम द्वारा ही मैनेज हो जाते हैं। देखा भी गया है कब ये लेफ्ट नेता धीरे धीरे सेंटर हो जाते हैं और फिर राइट, चुनाव के समय ईद के चांद की तरह दर्शन तो दे ही रहेंगे, लेकिन अब जनता खुद ही समझ ले तो बेहतर। बाकी बिहार की जनता का इतिहास रहा है कि वोट देते समय सिर्फ लालू नीतीश ही समझ पाती है। लालू नीतीश से ऊपर ना तो बिहार के लोग समझ पाते हैं और ना ही समझने की कभी कोशिश करते हैं। बाकी कन्हैया कुमार स्वघोषित क्रांतिकारी, आपके पास तो संसाधनों की पर्याप्त खाद है, फिर क्यों नहीं आप सरकार से सवालों के बीज बो देते? क्यों नहीं आज आप अपनी बिहारी में से हिंदी में सरकार से उसी लहजे में तीखे सवाल करते हैं? क्यों नहीं आज आप उनको इस कदर मजबूर कर देते कि वो अपनी जिम्मेदारी का जिम्मा ले सके? खैर, आप साइलेंट हैं और जनता इस पर वोकल जरूर होगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन टीवी पर बढ़िया बढ़िया बातें कर देने से अगर सत्ता का स्वाद मिल गया होता तो सभी प्रवक्ता आज मंत्री होते। कन्हैया जी दिल्ली में शायद कोई नई थीसिस लिख रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले नेता की। ये भी अपने पिता के नाम से खूब जाने जाते हैं।
इनके पिता का नाम है रामविलास पासवान। इनकी बात करेंगे अगर तो एक समाज की बात किए बिना इनकी बात हो ही नहीं सकती। उन्हीं के सुपुत्र हैं ये, चिराग पासवान इनका नाम। ये वो चिराग हैं जो चुनावी मौसम में जगमगाते हैं, बाद में चिराग को पास के बाग में छिपाते हैं। और इसमें गलती चिराग पासवान की तो बिल्कुल भी नहीं लगती मुझे। उनको पता है उनके पिता ने जो वोटर कमाए हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए उनसे हटकर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जिसके घर में किसी की मौत हुई होगी उससे जाकर एक बार जरा अपडेट ले लीजिएगा। चिराग पासवान जी, आपको रिजल्ट चौंकाने वाले ही मिलेंगे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि चिराग पासवान ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बीते 40 दिनों में 0 ट्वीट किए हैं, मदद एक की भी नहीं की। कन्हैया कुमार ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बीते 40 दिनों में 0 ट्वीट्स किए हैं, मदद एक की भी नहीं। तेजस्वी यादव ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बीते 40 दिनों में 99 ट्वीट किए हैं, मदद एक की भी नहीं। अब बात उस अंधेर गर्दी की कि जिसकी कोई सीमा नहीं, बात सिस्टम की, बात सरकार की, बात नीतीश सरकार की। बिहार में बीते कुछ दिनों में जो तस्वीरें आई हैं वो दिखाती हैं कि सिस्टम ने किस तरह से न्यूनतम संस्कारों का भी अंतिम संस्कार किया है। हाँ, अंतिम संस्कार उनका नहीं हो सका जिनको उस संस्कार के साथ विदा किया जाना चाहिए। पैदा होना भी एक संस्कार है और जिंदगी से विदाई भी एक संस्कार। लेकिन बीमार सिस्टम की वजह से कई लोगों की जिंदगी को ना तो सुकून मिला और ना ही मौत को आराम। गरीब तो पहले भी मर रहे थे और थोक के भाव मर रहे थे। सरकारी अस्पताल का बेड तो छोड़िए, उनको तो आसपास के वेटिंग रूम तक नसीब नहीं हुआ। गरीब बीमार होता था, पैसा नहीं होता था और बस तड़प तड़प कर उसकी जिंदगी की कहानी पर काला पर्दा छा जाता था। और ये बहुत आम था। जो आज ये हो हल्ला क्यों हो रहा है आपके मन में एक सवाल आता होगा। ये इसलिए है क्योंकि ये जो कोरोना है ना साहब, ये फर्क नहीं कर रहा। ये नहीं देख रहा कि आप प्रधान हैं, विधायक हैं या सांसद हैं या कोई बाहुबली हैं। ये तो बस आंधी है, जो लपेटे में आ रहा है वो बाहर चला जा रहा है। और अब जब इन सत्ताधारियों की खुद की जान पर बनाई तब खलबली है। लेकिन क्या करें, अब कुछ हो थोड़ी ना सकता। सोचिए बीते 16 साल में तेज प्रताप यादव के अगर मैं एक दो साल निकाल दूं तो 14 साल में सत्ता का मारक मजा मार रहे बीजेपी के नेताओं ने अगर अपना काम सही से कर लिया होता तो आज 500 बेड और 20 वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने पर इस तरह बेहाल ये सिस्टम नजर नहीं आता। बीते 16 साल की बात करूं तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्रियों की अब लिस्ट देखिए। चंद्रमोहन राय, नंद किशोर यादव 2008 से 2010 तक ये स्वास्थ्य मंत्री थे बीजेपी की तरफ से। अश्विनी कुमार चौबे 2010 से 2013 बीजेपी की तरफ से। मंगल पांडे 2017 से अभी तक बीजेपी के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। 16 में से 14 साल स्वास्थ्य मंत्रालय बीजेपी के पास रहा है। और हकीकत ये है कि बिहार के हेल्थ केयर सिस्टम की ना तो कोई हेल्थ है, ना ही ये बिल्कुल भी केयरिंग है और ना ही ये कोई सिस्टम है। सरकारी डॉक्टर खुद का प्राइवेट अस्पताल खोलकर बैठे हैं। 40,000 में रेमडेसिविर, 40,000 में ऑक्सीजन सिलेंडर बेचा गया और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। और इतनी अंधेर गर्दी का मुख्य कारण मेरी नज़र में जो है वो ये है कि वोट दिया जाता है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। बिहार में आज के वक्त में सभी फेल्योर हैं। हम सभी ने किसी ना किसी को अपने परिवार में खोया है। स्वास्थ्य विभाग को जनता जो हजारों करोड़ देती है वो कहाँ जाता है? 2020 के बजट में जो 10,602 करोड़ रुपए मिले थे उनका क्या हुआ? कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जवाब होता तो जमीन पर दिख जाता। जो आपसे वोट मांगने आते हैं ना, उनसे पूछिएगा कि आपके परिवार में जो आपके लोगों की सिस्टम की खराब व्यवस्थाओं की वजह से मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी नेता चुनावों में एक्टिवेट और बाद में डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एक नेता ऐसा भी है जो सुधर नहीं रहा है, नाम है पप्पू यादव। तबीयत खराब थी फिर भी 5 अप्रैल को दौड़े दौड़े दिल्ली से बिहार लौट आए। बाढ़ आई तो पैंट ऊपर कर खुद ही कूद पड़े पानी में और अब खुद घूम घूम कर लोगों की मदद करी। पीड़ितों की खुद मदद की और सरकार ने उन्हीं को उठवा लिया। अब ऐसे में तो लगा कि शायद अब तेजस्वी का खून खौलेगा और वो सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो अभी भी दिल्ली के इसी कमरे में बैठकर ट्विटर चलाने में व्यस्त है। मैं तो अपने बिहार के लोगों से कहूंगा कि तेजस्वी जी को बिहार से ट्विटर का सीएम बना दीजिए, ये वहीं ज़्यादा ठीक लगते हैं। खैर, पप्पू जी, बिहार की जनता सेवा और सद्भाव के नाम पर वोट नहीं देती, वो तो जाति के हिसाब से वोट देती है। नाम भी पूछो तो पहले जाति बता देते हैं, राजनीति पूछो तो नीतीश और लालू का नाम बता देते हैं। बाकी नेताओं की बात बहुत हो गई, अब बात अच्छे लोगों की भी कर लेते हैं। बिहार का नेताओं से भी ज़्यादा भला एक शिक्षक कर रहा है। जी हाँ, एक शिक्षक, नाम है
पटना वाले खान सर कुछ नहीं तो अपना फर्ज ही निभा रहे हैं, लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं, लोगों को अफवाहों से बचा रहे हैं, यही हम सबको भी करना है। अच्छी बात यह है कि बिहार में अब संक्रमितों के केस में कुछ कमी आई है। जी हाँ, जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके केसेस में कमी आ रही है। बिहार में बीते 24 घंटों में 5871 नए केस सामने आए और बीते 24 घंटों में मरने वालों की जो संख्या है वो 98 है। तो अब प्रोग्राम बाइंड अप करते करते बस एक बात, नुकसान बहुत हो चुका, गिद्धों को भरपूर आहार मिल चुका, लोग मरते देख लिए, बिलखते देख लिए, घर उजड़ते देख लिए, मरा हुआ सिस्टम भी हम सब ने देख लिया। अब बस वक्त है नेताओं के जागने का, वक्त है राजनीति में सेवा सद्भाव का, वक्त है तैयारियों का, वक्त है कि हम आ रही तीसरी आंधी से, कोरोना की इस तीसरी लहर से अपने बच्चों को बचाएं। आरोप प्रत्यारोप का मौसम बाद में आ जाएगा, फिलहाल इस मौसम में साथ लड़ते हैं ना, तो जी जान से लग जाइए और कोरोना से इस लड़ाई में सब लोग साथ आए। कल एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।